हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली काफ़ी वीडियो में बहुत कुछ सिखा चुकी हूँ और वो भी फुल वीडियो में सिखा चुकी हूँ, तो अब मैं आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक सिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बेस मेकअप सिखाया था, फिर उसके बाद आईज़ मेकअप सिखाया है, अब मैं आपको सिखाऊंगी हाईलाइट कंटूरिंग। तो फिर मिलते हैं बेस के बाद। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना बेस बना लिया है, अब हम करेंगे हाईलाइट कंटूरिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हाईलाइट कंटूरिंग। तो सबसे पहले मैंने ली है अपनी कंटूरिंग स्टिक जो मैंने नायका से ली है, शेड नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं ले लेती हूँ कोई फ्लफी शार शॉर्ट ब्रश, नहीं तो लॉन्ग ब्रश। तो मैंने ये ब्रश चूज़ किया है। अब मैं करूँगी, आज मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करके नहीं दिखाऊँगी, आज मैं दिखाऊँगी आपको ब्रश से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ, हमेशा से आपको ईयर कॉर्नर से स्टार्ट करना है, और जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ईयर कॉर्नर से स्टार्ट करना है और यहाँ तक ही इसको अप्लाई करना है। तो हम छोटे छोटे डॉट में, मैं आज आपको छोटे छोटे डॉट में सिखाऊंगी। ये देख सकते हैं लाइन को, और देख सकते हैं अब मैंने अपने जो लाइन की कंटूरिंग स्टार्ट की है। देख सकते हैं ये अगर डबल चिन है, अगर मेरे पास डबल चिन होती तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मर्ज करती, बट मेरी नहीं है डबल चिन तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अब करेंगे फोरहेड की। आपका फोरहेड बड़ा है तो आप इसको इधर से और इधर से कट कर सकते हैं, अपने फेस को एक ओवल शेप में दे सकते हैं। मेरी फेस की जो शेप है वो राउंड शेप है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी छोटा फेस है। अब हम करेंगे नोज़ की। तो नोज़ के लिए मैं छोटा ब्रश लूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं। नोज़ के लिए मैं छोटा ब्रश ही प्रेफर करूँगी मैं आपको लेने के लिए। मैं आपको बता रही हूँ छोटे छोटे स्टॉक में मैं इसको आगे लेके आ रही हूँ, और इसको आईज़ की क्रीज लाइन के साथ मिला रही हूँ, क्योंकि हाँ यहाँ पे भी हम ब्राउन कलर की शेडिंग तो देते ही हैं। दिख रही है आपको? देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा और डार्क कर लेती हूँ। मैंने आपको शो करने के लिए इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे हाइलाइटिंग। तो मेरे पास ये है मेबलिन का फिटमी का कंसीलर, तो मैं इसको यूज़ करूँगी हाइलाइटिंग एरिया के लिए, ठीक है। हाइलाइटिंग एरिया हमें हमेशा आईज़ के यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हमारे हाइलाइटिंग एरिया है, देख सकते हैं आप, ये कंटूरिंग एरिया है और ये हाइलाइटिंग एरिया है, ठीक है। सिर्फ अपने अपने हाइलाइटिंग एरिया पे ही हमें हाइलाइटिंग करनी है। ये हो गया हमारी हाइलाइटिंग एरिया। आप चाहें तो पिक भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मर्ज कर लेती हूँ।
आप इसकी पिक भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको करूँगी मर्ज ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। देखिए मैंने इसको मर्ज कर लिया है हाईलाइट कंटूरिंग को अपने स्पॉन्ज से। अब बची है कंटूरिंग की बारी, तो कंटूरिंग को मैं मर्ज करूँगी ब्रश के साथ। देख सकते हैं मैं मर्ज कर रही हूँ। ऊपर वाली लाइन को हमेशा आउट बना के ही मर्ज करो। फ्रंट की लाइन को मर्ज करूंगी हेयर के डायरेक्शन में। ये देखिए हेयर में मैं इसको मर्ज कर रही हूँ। अब मैं नोज की करूंगी, तो नोज के लिए मैं छोटा ब्रश यूज करूंगी क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा। इसको मैं नीचे की साइड ब्लेंड करूंगी। देखिए काफी हद तक इसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। कहीं से भी आपको हार्श लाइन दिखे तो आप उसको ब्लेंड कर लें ताकि वो प्रॉपर ब्लेंडेड लुक लगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पाउडर लॉकिंग। तो पाउडर लॉकिंग के लिए मैं सेम अपनी अडोब की पैलेट यूज़ करूँगी। हाइलाइटिंग के लिए मैं लूज़ पाउडर लूँगी और कंटूरिंग के लिए मैं चाहूँ तो इससे भी यूज़ कर सकती हूँ हाइलाइटिंग एरिया पर, मतलब हाइलाइटिंग के लिए और कंटूर एरिया के लिए। तो चलिए मैं अपना फेवरेट ब्रश यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देख सकते हैं आप इसकी शेप, ये ब्रश मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कंटूरिंग के लिए। मैं इसको कंटूरिंग पाउडर, कंटूर को पाउडर से लॉक कर देती हूँ ये पाउडर से। ठीक है, देखिए मैंने लॉक कर लिया है। अब नीचे वाली कंटूरिंग, जो लाइन वाली कंटूरिंग को भी मैं सेम डायरेक्शन में लॉक कर लूँगी, पाउडर लॉकिंग से लॉक कर लूँगी। देख सकते हैं डन। अब मैं अपनी हाइलाइटिंग एरिया को कंटूर करूँगी, वो भी स्पॉन्ज की मदद से, लूज पाउडर की मदद से। मैं स्पॉन्ज को मैंने थोड़ा सा सेमी वेट रखा था तो उसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। अब उसके बाद मैं इसको अपने हाइलाइटिंग एरिया पर प्रेस करूँगी। देख सकते हैं, फिर इसको मैं मर्ज करूँगी। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो और आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। मेरा मोटिव यही है आप बहुत कुछ सीखें मेरी वीडियो से। ये देखिए मैंने पाउडर लुक कर लिया है। अब मैं इसको मर्ज करूँगी। देखिए गाइस, मैंने इसको मर्ज कर लिया है कंटूरिंग और हाईलाइटिंग को। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप आशा करती हूँ मैंने जो सिखाया है उसको अच्छे से सिखा होगा और अच्छे से ध्यान दिया होगा। तो आप देख सकते हैं हाईलाइट कंटूरिंग मैंने कर ली है अपने फेस पर। अब मिलते हैं फाइनल लुक के बाद। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक हाईलाइट कंटूरिंग का। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।